बिग बॉस सीजन 15 के घर में राखी सावंत ने क्यों बोल दिया है देवोलीना को प्रतीक सहजपाल से शादी कर लेने? वल आखिरकार इस सवाल के बाद क्या कुछ रिएक्शन आया है देवोलीना भट्टाचार्य जी का? क्या है पूरी अपडेट, क्या है पूरी खबर, हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं सृष्टि आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। वेल, आपको बता दूं कि लाइव फीड के दौरान राखी सावंत और देवोलीना भट्टाचार्य जी बैठी थी और शादी और बच्चों के बारे में बातचीत चल रही थी। वहीं पर देवोलीना कहती है कि मुझे तो 40 से पहले ही बच्चा करना है, मुझे माँ बनना है, एक छोटा सा प्यारा सा बेबी लाना है। तो यहीं पर राखी सावंत कहती है कि मैं तो बस 2-3 साल में ही प्लान कर रही हूँ, अगले साल तक मैं तो सोच रही हूँ कि माँ बन ही जाऊँ। तो देवोलीना भी यहाँ पर कहती है कि हाँ, मैं भी अभी 34 की हूँ, तो 2-3 साल में मैं भी सोच रही हूँ शादी करूँ ना करूँ, लेकिन बच्चा तो लेकर आऊँ ही सही। पर यहाँ पर राखी सावंत देवोलीना को सजेशन देती है कि देख देवोलीना, तुझे तो प्रतीक सहजपाल पसंद है ना? तो देवोलीना बहुत शर्माते हुए कहती है कि हाँ पसंद तो है, लेकिन उसके नखरे बहुत हैं। तो राखी सावंत कहती है कि देख, तू अगर प्रतीक सहजपाल से शादी करेगी ना, तो तेरे बच्चे बड़े क्यूट क्यूट होंगे यार। सोच कितना हैंडसम है प्रतीक सहजपाल, तेरे बच्चे तो तेरे दोनों के बच्चे ना बहुत औसम होंगे। तो देवोलीना यहाँ पर बहुत शर्माने लगती है, लेकिन उसके बहुत नखरे हैं यार, मैंने बहुत अपनी ज़िंदगी में सबके नखरे झेले हैं, अब मुझे किसी ऐसे बंदे से शादी करनी है जो मेरे नखरे को झेले। तो कहीं ना कहीं देवोलीना बहुत पूरे तरीके से हामी भी नहीं भर रही है और प्रतीक सहजपाल के बारे में, लेकिन हाँ कम्प्लीटली प्रतीक सहजपाल को इग्नोर भी नहीं कर पा रही है, जिससे ये कहीं ना कहीं साफ जाहिर हो रहा है कि थोड़ा बहुत देवोलीना का भी मन है कि प्रतीक सहजपाल से शादी की जाए। वेल, आपको क्या लगता है, आप बताइए आपको कैसी लगती है देवोलीना भट्टाचार्य जी और प्रतीक सहजपाल की जोड़ी, कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल नहीं भूले। साथ ही साथ एंटरटेनमेंट और बिग बॉस से जुड़ी सभी जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।